जो हमारे ये एक सपना था जो मेटियापुर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट हो, क्योंकि हम बोरों में बैठ के देखते थे रोज 2-3 पेशेंट आके कहते थे भैया हम डायलिसिस करा नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में इतना रुपया मांगता है जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो मैं यही बात लेके इसके पहले जो हमारे सुपर थे उनको हम बोला ये प्रपोजल बना के भेजिए डायलिसिस यूनिट बैठाने। फिर शास्त्र भवन में हम गए, वहां जाके उनको पकड़, हालेख साहब भी एक बार असेंबली में इसको लेके बोले, रहमत अंसारी से लेके अफताबुद्दीन से लेके साहब बोले जो हाँ हड्डियापुर में डायलिसिस होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पीपीपी मोड में ये सैंक्शन हुआ जहां पर कोई खर्चा नहीं लगेगा, जितने हमारे डायलिसिस पेशेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे और डायलिसिस कराएंगे। और ये जो खर्चा है ये गवर्नमेंट को बिल करेगा, ये कंपनी गवर्नमेंट ये पैसा वो कंपनी को देगा। हमें आज एक ही चीज का अफसोस है, हमारे कासिम मौलवी साहब वो डायलिसिस कराने के लिए रिपोन स्ट्रीट जाते थे दिल्ली, आज वो नहीं है। मगर हम भी कई बार उनके अस्पताल में गए, अगर मेटियापुर में उस समय डायलिसिस होता तो कासिम मौलवी साहब को जाके में दम नहीं तोड़ना होगा। है देश है दुरुस्त है, आज डायलिसिस यूनिट शुरू हो गया और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन में यहाँ पर हम लोग का सिटी स्कैन भी चालू होगा। तो हमारे मेटियापुर जो गार्डन रिच के, इसके मतलब है खालिक मुल्ला साहब के जितने हैं और हमारे ये 3 वार्ड के जितने आदमी हैं उनके लिए बहुत बड़ा सहूलियत होगी। इसलिए आज फिर हम एक बार आप लोग को मुबारकबाद कहते हैं। हमारे नए सुपर भी आए हुए हैं डॉक्टर सर्वानी घोष, उन्होंने बहुत सिंसियरिटी से ये काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को ठीक हो रहे हैं। मगर एक चीज हम आपको कहते हैं, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है मगर गवर्नमेंट चलाते हैं आप लोग, इसलिए ये अस्पताल आप लोग का है, आपके घर जैसा है, कोई भी परेशानी हो तो दौड़ के अस्पताल आता है। इसके रेट ठेक करना वो ठीक है कि नहीं देखना ये आपके काम है। तो अस्पताल में हम गंदा नहीं करने देंगे, अस्पताल के चारों तरफ जो बिजनेस चल रहा है चलने देंगे, मगर वो गंदा अगर यहाँ पर फेंक रहा है तो हम भी उसे रोकेंगे। हम अभी आते आते देखे कहीं प्लास्टिक पैड पड़ा हुआ है चारों तरफ, जो उड़ उड़ के आके हॉस्पिटल का जो एनवायरमेंट है उसे खराब कर सकता। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करता हूँ जो इसे देखिए, ये हमारे हॉस्पिटल है, माने हमारे यहाँ के लोग जो रहते हैं उनके अस्पताल, तो ये अस्पताल ठीक चलेगा, आस्ते आस्ते और बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने सुपर स्पेशलिटी बना दिया और डॉक्टर का प्रोडक्शन नहीं होता, डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर होता है। इसलिए थोड़ा सा हमारे बंगाल में प्रॉब्लम है, हमारा कई सब इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर डॉक्टर नहीं है। जो बाहर डॉक्टर होते हैं सरपानी जी यहाँ रह गए, बाद बाकी डॉक्टर भाग जाते हैं बाहर, बहुत पैसा मिलता है, दुबई चले गए, यूरोप चले गए, बहुत पैसा मिलता है। मगर पैसा के साथ साथ बहुत जगह है जहाँ पर कोरोना भी मिलता है, तो सब खाली पैसा का पीछे भागने से नहीं चलेगा। ये हमारे कौम है, हम हर इंडियन है और यहाँ के आदमी को सेवा करना ये डॉक्टर का फर्ज बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो डॉक्टर लोग मई महीना तक निकलेगा उन लोग कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगा, जैसे नर्स लोग सब आ रहे हैं, ये ही अगर चले जाते दुबई तो इनका तनख्वाह जो है 2 लाख रुपया महीना का होता है। मगर आज यहाँ पर वो लोग सब यहाँ पर है हमारे सेवा के लिए, हमें खिदमत करने के लिए। तो मैं फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ डायलिसिस यूनिट के लिए
सब एक साथ रहेंगे। ममता बनर्जी आस्ते आस्ते ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर नहीं सारे बंगाल को एक दूसरा जगह ले जा रहे हैं। हमें उनको साथ देना चाहिए और बोलना चाहिए, ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें।